दिसंबर का महीना, रात का समय, कड़ाके की ठंड पड़ रही और किसान खेत में बैठा बैठा बिजली आन की बाट देखने लग रहा। इस बार पानी नहीं दिया ना, गेहूं में दाना एक नहीं होना, परिवार भूखा मर जाएगा। ठंड ज़्यादा थी, उसने थोड़ा सा ईंधन इकट्ठा किया और आग जला ली। थोड़ी थोड़ी सी आँख लगी तो क्या देखता है, सामने एक सफ़ेद कपड़ों में लंबी दाढ़ी वाला आदमी खड़ा है। कहता, रे हरामखोर, तू सो कैसे गया? मैं तेरे को श्राप देता हूँ, कल की रात तेरी आखिरी रात होगी। किसान एकदम से उठा, तभी बिजली आ गई। उसने खेत में पानी तो दिया पर दहशत बैठ गई। गांव में आया, सारा दिन चिंता में रहा, क्या करूं। जोड़ पे एक बाबा जी रहते थे, उसके पास गया। महाराज जी, मैंने तो कदे पूजा पाठ नहीं करी, मेरे को श्राप मिला है कि आज की रात मेरी आखिरी रात हो गई। वो बाबा जी हंसने लगे, अरे बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं नहीं महाराज, मैंने बचा लो, मान जाए ना। तो महाराज जी ने कहने लगे कि तू ऐसे कर, मेरे पैरों पे लिपट जा और यहीं सो जा। बस एक ही बात का ध्यान रखना, कुछ भी हो तू मेरे पैर मत छोड़ना। भोला किसान पैर पकड़ के सो गया। आंख लगी थी कि इतनी देर में क्या देखता है, भगवान खुद खड़े और हाथ में सोने का ताज ले रहे हैं। अरे मूर्ख इंसान, खड़ा हो, ले आ मेरे पास, तुझे ये ताज पहनाता हूँ, तू बाकी की उम्र में ऐश करना। अरे, देखकर किसान का मन खुश हो गया, पर उसको जैसे ही श्राप वाली बात याद आई और बाबा जी के कही हुई बात, उसने पैर नहीं छोड़े और कहता है, ताज अगर देना है तो मेरे सिर पे यहीं पहना जा। थोड़ी देर में वो चला गया। इस बार जब उसकी आंख लगी तो क्या देखता है, 10 बरस पहले जो उसकी माँ गुजरी थी वो सामने खड़ी थी। अरे बेटा, तू इस बाबा जी के पैरों से लिपट के क्या कर रहा है, आ मेरे बेटे, मैं तो तेरा इंतजार कर रही हूँ कितने दिनों से, तू आता क्यों नहीं। माँ को देखकर किसान द्रवित हो गया, लेकिन जैसे ही उठने का ख्याल आया तो बाबा जी की बात याद आ गई। नहीं नहीं, पैर नहीं छोड़ूंगा, ये जरूर कोई चाल है, मुझे श्राप जो मिला है। माँ भी चली गई। तभी क्या देखता है, उधर से इतना भारी भरकम सांड चला रहा, इतने बड़े बड़े सिंह। आते ही उसने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हो गई, अभी तेरी टांगों के बीच में सिंह फंसा के पलट के मारता हूँ, चलो यमराज ने तुझे बुलाया है। डर तो गया वह, पर उसे बाबा जी की बात कंठस्थ कर ली थी, अब तो उसने पैर नहीं छोड़े और सुबह तक बाबा जी के पैर पकड़े पकड़े ही वह सोता रहा। और सुबह उठकर उसे लगा कि इंसान अगर निश्चय के साथ कोई भी काम शुरू करता है तो यकीनन उसमें सफलता प्राप्त करता है, भले ही किसी ने कोई श्राप ही क्यों न दे रखा हो।